हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गर्ल्स फॉर पूजा। दोस्तों मैं हूँ पूजा। सो है दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हैशटैग डे 3275 डे मनी सेविंग चैलेंज सीरीज का। दोस्तों इससे पहले मैंने 31 वीडियो अपलोड कर दी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मनी सेविंग प्लेलिस्ट डायरेक्टली आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सारे फेस्टिवल आने वाले, अक्टूबर 3rd से नवरात्र स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद करवा चौथ, फिर दिवाली, फिर बहुत सारे भैया दूज वगैरह मतलब आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इन फेस्टिवल में हम पैसे कैसे बचाएं, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल सी भाषा में कि त्योहारों में इन टिप्स से आप लोग हजारों रुपए बचा सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल दिवाली होता है, सो इसके लिए हम पूरा साल भर वेट करते हैं और काफी दिल खोल करके खर्चे भी करते हैं, चाहे नवरात्रि हो, दिवाली हो, भैया दूज हो, इन सब पे। और खास करके लेडीजों को तो बेट ही रहता है करवा चौथ का। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बिना अपना बजट खराब किए हुए, बिना अपने पॉकेट पे इफेक्ट डाले हुए आप लोग सेविंग कैसे करें, या फिर आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए फेस्टिवल स्पेशल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास मनी सेविंग से लेकर के कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चन, सारे क्वेरी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी और आपके टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों कॉमन मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादातर हम लिस्ट तैयार करते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं, हमें क्या क्या लेना है। दिए हो गए, पूजा का सामान हो गया, डेकोरेटिव हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गया, मतलब हम पहले से ही सोचते हैं। कुछ भी चीज़ हमें लेना होता है तो हम उसे दिवाली पे टाल देते हैं, धनतेरस पे लगा देते हैं कि हमें गोल्ड परचेज करना है धनतेरस पे, हमें न्यू बाइक, न्यू कार लेनी है धनतेरस पे, हमें अपने मकान की रजिस्ट्री करवानी है धनतेरस पे। मतलब अगर हमें कुछ भी अच्छा काम करना है, कुछ भी बड़ा काम करना है अपनी लाइफ में, तो हम वो धनतेरस या दिवाली पे करेंगे। मतलब पूरे साल भर का बजट हम सब दिवाली पे लेकर के चलते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, फेस्टिवल पे जितना काम होता है उतना ही ज्यादा खर्च होता है, जितना हमें थकान होती है उतना ज्यादा हम हैप्पी भी फील करते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं 5 to 10 टिप्स के बारे में, जिसको अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। बात करें फर्स्ट टिप की, जो कि हर एक वीडियो में कॉमन होती है, बजट बनाना। सबसे पहले तो आपको एक बजट बनाना है। बजट का मतलब ये है किस किस साइड से आप इनकम कर रहे हो, कहाँ पे एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो हो गया एक आपका मेन बेसिस बजट। लेकिन कि फेस्टिवल स्पेशल बजट आपको ये बनाना है कि सबसे पहले एक लिस्ट तैयार कर लेनी है और आपको एक बजट क्रिएट कर लेना है, अमाउंट एक क्रिएट कर लेना है कि मेरे पास इतना सा ही अमाउंट है, इतने ही अमाउंट में मैं अपने सारे फेस्टिवल को इंजॉय करना है, उन्हें सेलिब्रेट करना है। सो इसके लिए आप लिस्टिंग करना तैयार कर दीजिए कि मुझे कहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कहाँ पर हमें काफ़ी इजी प्राइस में मिल जाएगा, वो किस चीज़ पे कितना डिस्काउंट है, या फिर किस सेल का हम फायदा उठा सकते हैं, कौन कौन से जरूरी प्रोडक्ट हैं। देखो कई बार हम क्या करते हैं, मैं अपना बताऊं, मैं आज से 2 साल पहले होम डेकोर के बहुत सारे प्रोडक्ट ले चुकी थी, जैसे कि लटकन हो गई, लड़ियां हो गई, और जो ये प्लास्टिक के फूल वगैरह आते हैं उन सबको हम लेके लगा लेते हैं ना, तो उनसे हमें खुशबू आती है ना ही एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो मुझे ऐसा लगता है क्यों ना हम नेचुरल फ्लावर का यूज करें। 20 से 50 रुपए के एक लड़ी मिलती है, आराम से आप अपने अकॉर्डिंग उसे लंबा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप बनवा सकते हैं लड़ियों को, अपने अकॉर्डिंग आप फूल खरीद लीजिए किलो के हिसाब से, उसको अपने तरीके से आप लड़ियां बना लीजिए, माला वगैरह बना लीजिए, जिस तरीके से आपको डेकोरेट करना उस तरीके से आप कर सकते हैं। पहले आपको बजटिंग करनी है कहां पर कितना जा रहा है और कहां कहां पर हम कटौती कर सकते हैं, कौन सी चीजें हम बाद में भी ले सकते हैं जिससे कि हमें काफी अच्छे अमाउंट में मिल जाए। देखो मैं आपके साथ एक पर्सनल टिप शेयर करूं, तो जो ये फेस्टिवल होता है इसके लिए सारे दुकानदार वेट करते हैं, जो भी उनका पुराना माल होता है उसको क्लीयरेंस सेल पे वो बाहर कर देते हैं। प्रोडक्ट वो 1000 या फिर 2000 का बेच रहे होते हैं, वही वो 50% डिस्काउंट देकर के 1000 रुपीज रख देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि इससे सस्ता नहीं मिलेगा। फिर जो भी उनके पास प्रोडक्ट खराब होता है, डिफेक्टिव हो जाता है, 500 का प्रोडक्ट को 200 रुपीज में सेल लगा देते हैं, हम उसकी पूरी प्राइस पे करके उसे बाई नहीं करेंगे। लेकिन कि सेल के चक्कर में, फिर सेल एक ऐसा अट्रैक्टिव पॉइंट है जिसको हम देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं, डायरेक्टली उस चीज को परचेज कर लेते हैं, चाहे वो हमारी आलमारी में, हमारे कबर्ड में, या फिर हमारे सूरज वगैरह में पड़ा ही रह जाए वो। तो सेम इसी तरीके से होता है, लोग अपना जो पुराना स्टॉक होता है उसे क्लियर करते हैं, बिकॉज सीजन भी चेंज होता है और नए स्टॉक को भरते हैं, तो इसलिए पुराने स्टॉक को निकाल देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सेल के चक्कर में बहुत सारी खरीदारी ना कर लें जो आपकी नीडेड है। फिर जिस प्रोडक्ट को आपको लग रहा है कि हाँ बिना इसके मेरा नहीं लगेगा, या फिर हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, वो आप लिस्टिंग कर सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं। बजटिंग करने का बेस्ट बेनिफिट यही होता है कि आपके जो खर्चे हैं या फिर जो आप खर्च करने वाले हैं उसका पूरा ब्यौरा आपके पास पहले ही
ही आ जाता है। दोस्तों बात करें सेकंड टिप्स की, तो बड़े त्यौहार से पहले आप आरडी शुरू कर सकते हैं। 3 महीने पहले या 6 महीने पहले से आप इसे अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप त्यौहार पे खर्च करने वाले हैं, जितना भी आपका एक अमाउंट बन रहा है कि मुझे इतना ही अमाउंट अपने फेस्टिवल पे खर्च करना है, इतने अमाउंट मुझे अपना पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, इंजॉय करना है, तो उस हिसाब से आप अपना एक आरडी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। 6 महीने 3 महीने पहले से आप उसमें अपना अमाउंट डालते रहिए, जब आपका फेस्टिवल आता है डायरेक्टली आप उसे निकाल करके यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप कोई भी अगर इनोला स्टफिंग करते हैं तो आप अपना एक अलग सा इनोला बना सकते हैं, कैश स्टफ कर सकते हैं, उसमें आप 500 पर मंथ डालते रहिए, 6,000 रुपये हो जाता है आपके पास नेक्स्ट ईयर फेस्टिवल के लिए। जो भी फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो 6,000 अमाउंट काफी ज्यादा होता है। मिठाइयाँ वगैरह बाकी आप डेकोरेशन सामान इसमें ले सकते हो, अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हो। बात करें अपने थर्ड की, तो अपने पुराने इन्वेस्ट को भी आप देखें, बहुत सारी स्कीमें देंगी कंपनी आपको, बैंक देगी, बहुत सारी स्कीम आपको मिलेगी मार्केट में कि अगर आप ये परचेज कर लेंगे, इतना इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। तो जो भी आप पिछले साल लिए हैं स्कीम या उससे पिछले साल लिए हैं स्कीम, आप एक बार उस पर नज़र दौड़ा सकते हैं कि बिना फेस्टिवल के, फिर बिना सेल के हमें इस स्कीम का कितना बेनिफिट है, या फिर हम इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कितना हमने इसको यूज किया है, कितना बेनिफिट हुआ है मुझे इस स्कीम का, तो उस हिसाब से आप उन स्कीमों में इन्वेस्ट करें, या फिर आप अपने जो पिछले बार इन्वेस्ट किए उनको देख लें क्या प्रॉफिट है। देखो कई बार हम ज़्यादा बचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान झेल ले जाते हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि नहीं होगा रही हो, हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाता है। तो प्रॉफिट और लॉस के बीच की जो कड़ी है उसको आपको अपने पुराने इन्वेस्ट से मिल जाएगी कि आपने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया, कौन कौन से कूपन आपके पास कलेक्ट है, तो आप अपने पिछले कूपन को यूज करके काफ़ी सारी सेविंग कर सकते हैं या फिर काफ़ी सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। और जो भी आपके साथ नुकसान होने वाला है पिछले इन्वेस्ट को देख करके, आप उसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे या फिर उस स्कीम में आप पैसे नहीं डालेंगे, इससे आपके खर्च होने से भी बच जाएंगे और बहुत सारे पैसे आप बचा लेंगे। बात करें अपने नेक्स्ट टिप की, तो त्योहारों पे कभी भी उधार ना ले। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम यर्न करते हैं कुछ और, खर्च करते हैं कुछ और, सो ऑफ करने में लग जाते हैं, दूसरे वाले को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। जरूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट आपके पास हो मेरे पास हो, या फिर जो मैं ले ली हूँ, जो मैं आपको सो ऑफ कर रही हूँ, वो आप भी ले लो। अपना बजट हमेशा देख करके चलें, अपनी पॉकेट के हिसाब से ही आप अपने आप को अलाउ करें कि मुझे लेना है या फिर नहीं, मुझे इसकी नीडेड है या नहीं, तो आप त्योहारों में किसी से भी उधार ना लें। इससे क्या होता है, एक निगेटिविटी आपके घर में आती है, पॉजिटिव माहौल नहीं क्रिएट होता है, उसके साथ साथ उधार का एक टेंशन हो जाता है, कर्ज तो आपके ऊपर बढ़ता ही बढ़ता, साथ ही आपकी लत भी हो जाती है कि भाई मैं उधार ले लिया हूँ, आगे भी ले लूँगा, कोई छोटा मोटा आपके ऊपर पड़ता है अनप्लान एक्सीडेंट, तो आप डायरेक्टली उधार ले लेते हैं। तो इससे बचने के लिए आप उधार ना लें। बात करूं दोस्तों मैं अपने नेक्स्ट टिप की, तो किस चीज़ में कितना खर्च कर दिया है आपने, किस चीज़ में कितना खर्च करने वाले, उसका लेखा जोखा रखें। अगर आप मेरे ओल्ड व्यूअर होंगे तो मैं आपके साथ बहुत बार शेयर करती हूँ कि मैं अपने 10 ईयर का रिकॉर्ड करके रखी हूँ कि मैं कहाँ पर कितने रुपए खर्च करती हूँ, मेरा मंथली एक्सपेंसेस क्या आता है, बच्चों की फ़ी कितनी जाती है, दूध में क्या जा रहा है, फेस्टिवल पे कितना खर्च हो रहा है, किसी की बर्थडे पार्टी में कितना खर्च कर रही हूँ, ड्रेस कितने के लिए है, हमने डीजल वगैरह कितने का डलाया है, मतलब फ्यूल कितने का डलाया है, हमारा वैकेशन पर कितना खर्च हो रहा है, इन सब का डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है। तो हमें एक पता है कि अप्रॉक्स हमारा मंथली इतना आएगा, इतना ही खर्च हमारा होगा। अगर हमारे पास इतना है तो हम उसी में आराम से बजटिंग कर लेते हैं। हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-2,000 रुपये ऊपर चला जाएगा या फिर 2,000-3,000 रुपये नीचे आ जाएगा, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं खर्च होगा। तो अगर आप अपने फेस्टिवल का एक लेखा जोखा रखते हैं, अपने खर्चों का आप लेखा जोखा रखते हैं, तो आपके पास सारे आपके पास ऐसे खर्चे हो जाते हैं जिनको आप ध्यान नहीं देते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन जब आप उनको नोट डाउन करके रखते हैं, फिर उनका लेखा जोखा आप रखते हैं, तो आपको पता चलता है कि यहां पर हमने जूल खर्ची की है, ये हम ना करते तब भी हमारी लाइफ आराम से चल जा रही थी और हमें इस खर्चे की नीड नहीं थी। तो लेखा जोखा करने से आपके हर महीने नहीं बचेंगे, 2,000-3,000 रुपए आराम से बचने स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसे अपने ऊपर आजमा करके देख लीजिए, काफी ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स है जो कि मैं अपने ऊपर 10 ईयर से अप्लाई कर रही हूँ। तो दोस्तों बात करूं मैं अपने लास्ट टिप्स की बट नॉट लीस्ट की, तो क्रेडिट कार्ड का यूज ना करें। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है प्लास्टिक मनी, कहीं पे भी है आप, किसी भी सिचुएशन में आराम से क्रेडिट कार्ड यूज करके आप निकल सकते हैं। कभी भी आपने शॉपिंग की, 50,000-60,000 का बिल बन रहा है और आपका बजट है 40,000-50,000 रुपए का, आपने बिल बना दिया है 60,000-70,000 रुपए का, आपने डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड स्वीप किया और आराम से प्रोडक्ट आपका हो चुका है, लेकिन 20,000 रुपए का आपके ऊपर खर्च चढ़ गया है और वो खर्च आपकी सैलरी से जाएगा। नेक्स्ट आपका फिर से बजट है 20,000-30,000 रुपए का, आपने फिर स्वीप कर लिया, फिर से आपने खर्च कर दिया, ऐसे करते करते आप इस क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसते चले जाते हैं।
हैं। तो ज़्यादातर आप क्रेडिट कार्ड का यूज वही करें जहाँ से आपको बेनिफिट मिले, या फिर अगर आप उतना पे कर सकते हैं, बाई चांस अगर आपका कोई भी इमरजेंसी हो जाती है जो कि आप पे कर लेते हैं, तो आप उतना क्रेडिट कार्ड स्वीप करके यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्रेडिट कार्ड से ले लेता हूँ बाद में जमा कर दूंगा, तो आप इनकी EMI के ट्रैप में फंस चुके हैं और धीरे धीरे करके आपके ऊपर ये लोन बढ़ता ही जाएगा, कर्ज बढ़ता ही जाएगा, कुछ टाइम बाद इतना बड़ा अमाउंट हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा मैं करूँ क्या। अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं, आप रोड पे आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने होंगे या फिर आपके सोसाइटी में होंगे या फिर आप लोग देख रहे होंगे। तो जहाँ तक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ आप लोग क्रेडिट कार्ड का यूज ना करें, कोशिश करें हमेशा कैश में देने की, क्योंकि हमारा इमोशनल से जुड़ा हुआ होता है। और अगर आप कैश नहीं कैरी करते हैं तो आप फोन पे UPI वगैरह का यूज ले सकते हैं। सो हे दोस्तों, कुछ इस तरीके थी आज की इस वीडियो के टिप्स, ये है Part 1। में Part 2 भी लाने की कोशिश करूँगी #Day33 के साथ। सो दोस्तों, अगर आपके पास मनी सेविंग के लेकर के कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी अमाउंट है जिसपे आप बजटिंग करवाना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपके अमाउंट पे प्रॉपर तरीके से बजटिंग करने की कोशिश करूंगी। सो हे दोस्तों, कुछ इस तरीके थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल फ्री है यार, बट मुझे काफ़ी अच्छी उम्मीद मिलती है आगे बढ़ने के लिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर करें, जिन लोगों का फेस्टिवल में बजट खराब हो जाता है उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी ये वीडियो। सो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग मनी सेविंग चैलेंज साथ, नेक्स्ट अमेजिंग अदर Part 2 के साथ फेस्टिवल स्पेशल। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेविंग करते रहिए और हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।